अब एक प्रश्न है कि यदि चेक पर हस्ताक्षर कर दिए हैं और उस पर बिना राशि भरे वह किसी को दे दिया है और दूसरे आदमी ने उसमें पैसा या रकम भर ली है और बैंक में लगाने पर ऐसा जो चेक है वो इनसुफिशियंट बैलेंस या पर्याप्त राशि ना होने के कारण बाउंस हो जाता है, तो इस परिस्थिति में क्या जो खाता धारक है उस पर चेक बाउंस का केस किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? तो इसी के बारे में इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। जो चेक बाउंस के केस होते हैं या जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंतर्गत धारा 138 में जो चेक बाउंस के मुकदमे दर्ज होते हैं, उनमें यदि किसी कारण से चेक जारी किया गया है और उसमें पर्याप्त राशि उतनी नहीं है जितने का कि वह चेक भरा गया है, तो चेक बाउंस होने पर खाता धारक के खिलाफ मामला दर्ज किया जाता है और इस पर जो सिद्ध होने पर चेक की राशि की दुगुनी राशि और साथ में जेल या कारावास की सजा भी इसमें हो सकती है। तो ये इसमें प्रावधान सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी इस बात को स्पष्ट कर दिया गया कि यदि चेक पर खाता धारक द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं और बेशक चाहे उस पर जो राशि लिखी गई है वह किसी और आदमी या किसी और व्यक्ति द्वारा लिखी गई है, तो भी खाता धारक ही ऐसी लिखी गई राशि के लिए जिम्मेदार समझा जाएगा जब तक कि वह यह सिद्ध ना कर दे कि ऐसा चेक किसी अन्य जिम्मेदारी या किसी और अपने कर्ज की जमानत के रूप में किसी को दी गई थी। तो ये प्रावधान है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंतर्गत और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अनुसार कि यदि चेक पर साइन किए हैं और वह किसी को उसमें जो राशि भरी गई है वह दूसरे व्यक्ति के द्वारा भरी गई है, तो भी खाता धारक या हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति ही उसके लिए जिम्मेदार रहेगा। इसलिए जब भी आप किसी को कोई भी चेक अपने हस्ताक्षर करके दें तो यह जरूर निश्चित कर ले कि उस पर जो राशि आप चाह रहे हैं उतने की ही रकम उसमें भरी गई है। जानकार रहें, अपने आप को कानूनी परेशानियों से बचाएं, सतर्क रहें और कानून की जानकारी हमेशा जहाँ से भी प्राप्त हो लेते रहें। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब इस चैनल को जरूर कर लें क्योंकि इस चैनल पर ऐसी और कानूनी जानकारी संबंधित वीडियो समय समय पर हम अपलोड करते रहते हैं। फिर मिलेंगे इसी चैनल पर और किसी कानूनी जानकारी के साथ। धन्यवाद।